आज बड़े जोरों शोरों से चर्चा है, स्मॉल कैप फंड ने इंडेक्स को बीट नहीं किया है, इंडेक्स फंड्स को, स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स को। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था वॉरेन बफे साहब का कोट कि स्मॉल कैप फंड हो चाहे लार्ज कैप फंड हो चाहे आपका मिड कैप फंड हो, 10 सालों में एक बार ऐसा टाइम जरूर आता है कि आपका इंडेक्स फंड किसी भी एक्टिव फंड को बीट कर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि इंडेक्स फंड का जो खर्चा है, जो आप खर्चा पानी देते हो फंड मैनेजर को, अगर उसका इतना लेस है, 1/3 है, 1/3 क्या, 1/4, 1/5 है, तो हम इतना भारी भरकम खर्चा क्यों दें उनको? उस हाथी को हम क्यों पालें जो हमारे किसी काम का नहीं है? तो आज इस पर हम चर्चा जरूर करते हैं। एक तो ये फंड मैनेजर को सोचना चाहिए। तो सवाल यहां पर दो उठता है, दो क्या तीन सवाल उठता है कि क्या फंड मैनेजर मेहनत नहीं करते हैं? दूसरा सवाल ये उठता है, अगर वो मेहनत नहीं करते हम उन्हें खर्चा क्यों दें? और तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ऐसे सिनेरियोज में इन्वेस्टर करें तो क्या करें? अब देखिए, मानव की एक प्रवृत्ति होती है कि उसको जितना मिल जाए उतना कम है। तो आइए हम कुछ आंकड़े पहले प्रस्तुत करते हैं। देखिए, 25 फंड्स में से 5 फंड्स ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इंडेक्स फंड को बीट किया है आपके एक्टिव फंड्स में। ठीक है, डाटा वगैरह में ज्यादा आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको इजीली कहीं अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन एक ग्लैंस में देख लेते हैं। एवरेज रिटर्न जो दिया है आपके किसने, एक्टिव फंड में, वो 44% दिया है। वही इंडेक्स फंड ने क्या किया है, एवरेज रिटर्न दिया है 49% का। आपके कैटेगरी एवरेज ने जो एक्टिव फंड का है उसने दिया है 34, सॉरी, उसने दिया है 3 सालों में 34% दिया है आपके इंडेक्स फंड ने, और कैटेगरी एवरेज आपके एक्टिव फंड ने दिया 35%। तो आप देख रहे हैं कि 3 साल में इसने बीट किया है, 5 सालों में भी जो हमने देखा है वो बीट किया है। ठीक है ना, अब केवल 22 फंड ऐसे हैं जो कि 3 साल के ओल्ड हैं, और 14-15 क्या है, उनमें से बीट कर दिए हैं इसको। तो आधे से ज्यादा फंड्स ने क्या किया है, बीट कर दिया है। ठीक है ना, अभी आपके इंडेक्स ने जो दिया है इस साल में 55% का रिटर्न दिया है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये साल 2023 किसका रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप का रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आज के टाइम पर लार्ज कैप फंड्स आपके स्मॉल कैप और मिड कैप से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपका 5 साल या 7 साल का होराइजन है तो आपको लार्ज कैप फंड 12 से 13% रिटर्न इजीली दे देंगे, और मिड कैप फंड आपको या फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आपको 15 से 17% दे देंगे, अगर आपका 7 से 10 साल का होराइजन है तो। और वहीं 10 साल से अबव का होराइजन है तो आपको 19 से 21% आपको पक्का स्मॉल कैप फंड दे ही देंगे, क्योंकि आपने रिस्क बहुत ज्यादा लिया है। ये मैं बात कर रहा हूं एक्टिव फंड की, या इंडेक्स फंड भी मान सकते हैं तो इसके आसपास में ही आपको दे देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई जब इंडेक्स फंड भी इतना रिटर्न हमें दे दे रहा है तो हम इतना खर्चा क्यों दे रहे हैं फंड मैनेजर को? तो साहब, यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, इन्वेस्टर्स मेरे व्यू से दो टाइप के होते हैं। एक इन्वेस्टर वो, देखो, आता हर कोई है, यहां पर किस लिए आया है, प्रॉफिट के लिए आया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि प्रॉफिट के लिए ना आया हो। अब वो प्रॉफिट आप मैक्स टू मैक्स कैसे गेन कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन इस पर चलने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट की एक ट्रिक है, हर मैक्सिमम गेन की एक ट्रिक है। या तो आप इंडेक्स में डाल दो और भूल जाओ और चलते रहो हाथी की चाल से, पर जो ट्रिक्स है, अगर उस ट्रिक्स को आप अपनाते हो, अगर उन ट्रिक्स को आप अपनाते हो तो आप कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड को बीट करोगे, आप फंड मैनेजर को ऑपरेट करोगे, वो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, एक सज्जन ने मुझे सजेस्ट किया है कि सर आप इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बना रहे हो तो आप अपने वीडियोस की क्वालिटी पर थोड़ा सा ध्यान दो,
ऑडियोज की क्वालिटी पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो सर आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट सवाल ये उठता है कि अगर मैंने भी फैब्रिकेट करके आपको जानकारी देनी शुरू कर दी तो रियलिटी कहाँ पे रह जाएगी? आप ध्यान दें किस पे, हमारे कंटेंट पे, हमारे नॉलेज पे, और जो मैं आप लोगों को ट्रिक्स दे रहा हूं उस पर, ठीक है ना? तो अब मैंने जो भी इन्वेस्ट किया है उसको मैं करके जो मेरा नॉलेज है वो मैं आप लोगों को परोसने की कोशिश करता हूं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि यही जो मेरे रिसोर्सेस है ना, इन्हीं रिसोर्सेस से ही मैं आपको नॉलेज दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं अगर फैब्रिकेट करके आपको देना शुरू कर दिया तो उनमें जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा? अगर मैं आपको मेहनत करके, आप मैं अपना टाइम खर्च करके आपको ये चीजें परोस रहा हूं, तो अगर आपको पसंद आ रही है, वैल्यूएबल आपको लग रहा है, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए और थोड़ा सा समझौता करिए और उचित समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे कई जगह पर आना जाना होता है, कई सारे काम करने होते हैं। अब मैं एक जगह पर स्टेबल हो करके और मैं पर्टिकुलर एक स्टूडियो बना करके और उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपके लिए वो चीजें बांट सकूं। मैं चलते चलते भी, मैं कहीं पर भी आपको नॉलेज दे सकता हूं। विकास मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने ग्रो किया है, मैंने देखा है गहराई से, मैंने अर्न किया है गहराई से, तो मैं उतने ही रिसोर्सेस कैरी करूंगा जितना मैं लेकर के चल सकता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस चीज का बुरा नहीं मानेंगे। अब आते हैं सवाल में कि आखिर में वहां पर इन्वेस्टर्स करें तो क्या करें? देखो साहब, सबसे बुरा हाल आप क्या सोच रहे हो, लार्ज कैप फंड आपके ज्यादा रिटर्न नहीं दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं, लेकिन मैं उन फंड में देखिए मेन जो इन्वेस्टर्स है ना, आज आपको बड़ी रोचक जानकारी दे रहा हूं, केवल आपके 47 फंड मैनेजर्स हैं जो कि मेन फंड मैनेजर्स हैं और जो कि आपके 47 लाख करोड़ रुपए को मेंटेन कर रहे हैं। ये नोट कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिएगा। अब उनके अंडर में जितने हैं वो लोग काम कर रहे हैं, अब उन्हीं में से कौन घाग है, कौन पंटर है, कौन क्या है, कौन कैसे नचा रहा है, वो मैं नहीं जानता, बट आपके फंड मैनेजर जो हैं वो आपके यही हैं, ठीक है ना? और नामी गिरामी किसी दिन आप कहिएगा, मैं उनकी उनके बीत द नेम और उनका प्रोफाइल आपको पक्का बता दूंगा। और एक समय ऐसा था उनमें से मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूं जो कि मारे मारे फिरते थे, किसके लिए? लोगों में नॉलेज बांटने के लिए, एजेंटों का काम करते थे, ब्रोकर का काम करते थे, आज के टाइम पर वो आपके फंड मैनेजर बन करके बैठे हैं। आज उन्हें कोई चिंता नहीं है, इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि उन्हें जो आप अपनी गाढ़ी कमाई का, खास करके मैं बात कर रहा हूं, देखिए मिड और स्मॉल वाले तो फिर भी मेहनत करते हैं, मेहनत रिटर्न करते हैं और उसके बाद में रिटर्न आपको जनरेट करते हैं, बट इनको आप मई जून में देखिएगा, इतना ही इंसेंटिव इनको मिल जाता है कि भाई साहब लॉन्ग हॉलीडे पे चले जाते हैं, बस इन्होंने फंड लेकर के क्या किया है, छोड़ दिया है, जाओ आप भाड़ में, ये हॉलीडे की अपनी जो है ट्रिप मना रहे हैं। ऐसा भी लोग करते हैं कुछ, हाँ ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग मेहनती भी होते हैं, बट ये अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो अब आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो आपको ये ट्रिक्स को सीखना ही पड़ेगा, किसी के झांसे में नहीं आना है, आपका जो पैसा है ट्रैप से निकलना आपको आना चाहिए, ये चीज नोट करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं इस पे, फिर उसके बाद में चर्चा तो चलती रहेगी, अभी तो शुरुआत है, ठीक है? दो टाइप के इन्वेस्टर हो गए, एक हो गए रिच इन्वेस्टर्स, दूसरे हो गए पुअर इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे आप जैसे। रिच इन्वेस्टर्स में वो इन्वेस्टर हो गए जिनके पास जो कि सैचुरेटेड हो गए,
मेरी बात समझ लो, जो कि सेचुरेटेड हो गए हैं। अब वो सेचुरेटेड जो आदमी है, इन्होंने क्या किया है, इंडेक्स फंड में डाल दिया है अपना पैसा, जिस कैटेगरी का उनको रिटर्न चाहिए, जो उनका गोल है उन्हें अच्छी तरीके से पता है, मुझे इतने टाइम पर, उन्होंने बाकायदे अपना प्लान करा हुआ है। जुआनी टैक्स का मोटिव यही है कि आपको सही तरीके से बताना, पहले आप अकुमुलेशन करो, फिर इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप अपने गोल को अचीव करो, उसके बाद में फिर आपको धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगी। और वो चीजें मैं भी कर रहा हूं। जैसे अब ये जो रिच इन्वेस्टर्स हैं, मैं आपको बताता हूं ये रिच इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में मैंने इनको क्यों डाला है। हालांकि रिच कोई नहीं होता इंडिया के अंदर में, बट है ये। इन्होंने क्या किया है, इंडेक्स फंड को अपना चूज कर लिया है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि उसमें इनको एक्सपेंस बहुत कम देना है, खर्चा बहुत कम देना है। और इन्हें मालूम है कि ये 10 सालों के अंतराल में एक बार जरूर ऐसा आएगा कि ये क्या करेगा, एक्टिव फंडों को, कैटेगरी एवरेज को बीट कर देगा एक्टिव फंड के। और ये उस समय क्या करेंगे, अपने इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ये टैक्स अपना हर साल हार्वेस्ट करते हैं, हालांकि टैक्स देने के लिए इनके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही लोग हैं जो कि टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते, हर साल ये अपना हार्वेस्टिंग करते रहते हैं और चलते रहते हैं। जैसे ही इनका वो साल आता है तब इसको रीप करते हैं। एक आ गया हमारे आ जैसा पुअर इन्वेस्टर, जिसने देखा है कि भाई इसमें रिटर्न है, रिटर्न को देख करके उसने दे दिया भाई इस माल का मैं रिस्क ले लेता हूं, मुझे इतने टाइम पे जरूरत है। बट अब वो हो सकता है कि वो 10 साल को वेट ना कर पाए, हो सकता है 10 साल उसने वेट भी कर लिया है, उसको उस समय जरूरत ना हो तो उसको ग्यारहवें बारहवें तेरहवें में जाना हो। अब वहां पर क्या होगा कि आपके एक्टिव फंड जो है मैक्सिमम टाइम पे बीट कर रहे होंगे किसको, इंडेक्स को। हाँ, वो समय जरूर आएगा जब आपका जैसे 55% और 44% को 11% कम नहीं होता है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं तो 11% का मतलब कितना हो गया, 11 लाख रुपया हो गया। बात मेरी समझ रहे हो? तो वहां पे इन्होंने क्या किया हुआ है, एक्टिव में डाला हुआ है। और ये बात भी सही है, क्योंकि भाई देखो यार, मेंटेन कर रहे हैं तो उन्हें हमें खर्चा तो देना पड़ेगा, और खर्चा आप दे रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, खास करके मिड और स्मॉल वाले तो मेहनत करते करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपने स्टॉक्स की चर्निंग ज्यादा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या वो दे रहे हैं उसमें भी रिस्क बहुत कम है, तो ठीक है वो भाग दौड़ करके लंबे उसमें रेस में ना 1 साल 2 साल 4 5 में वही एवरेज में ही आ जाते हैं सारे के सारे। और मैंने एक दिन पहले बोला था कि फंड कोई भी बुरा नहीं होता है, साल में एक बार खाली रिव्यू करिए, साल का 3 साल में रिव्यू करिए, ज्यादा परेशान मत होइए। जो आपने एक बार ले लिया, जिसका साथ ले लिया, उसके साथ चलते रहो। ग्रोथ और वैल्यू दो ही टाइप की कंपनियां होती है, ग्रोथ में लगा हुआ है तो आज के टाइम पर उसका रिजल्ट कम दे रहा, जो नो कर रहा होगा दिख रहा होगा, जिसका उसमें लगा हुआ अपना वैल्यू में लगा हुआ है उसमें हो गया, ब्लेंड में जो है लगा हुआ है तो वो एवरेज लेकर के चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे मैं समझाता रहूँ। तो ये जो एक्टिव वाला है ना, कौन सा, जो जिसको मैंने पुअर संज्ञा दिया हमारे आप जैसे, वो इंतजार करता भाई जब उसको उसका अपना गोल के आसपास हो गया तो ये कई बार ये जो है बीट करता है, एक्टिव वाला बीट करता है इंडेक्स को, उस समय वो क्या करेगा अपने प्रॉफिट को रिडीम कर लेगा, या हो सकता है उसको कंप्लीट को अपने रिडीम कर ले, भाई ठीक है मेरा हो गया 2 गुना हो गया 3 गुना हो गया, चल भाई मैं चलता हूँ, ये काम मैं कर लेता हूँ। तो उनके लिए ये वाला ठीक है, और जिनके पास टाइम है वो चुपचाप शांति से और हेडेक नहीं लेना चाहते हैं, वो अपना सेचुरेटेड है, वो भैया सीधे किस में डाल दो, इंडेक्स फंड में डाल दो और आराम से चैन की नींद सो जाओ। तो ये है आज के दिन का जो हो हल्ला मचा हुआ था स्मॉल कैप के फंड ने, इंडेक्स ने नहीं किया। जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो फिर उल्टा सीधा जो भी करना होगा करते रहना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सच्चाई यही है कि जो मैंने आपको बताई है। और दोस्तों अगर जिनको जानकारी अच्छी लगी है, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपना रिस्क वो बैलेंस करो और सही तरीके से आप इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट तो आपको मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपने रिस्क लिया हुआ। देश अपना तरक्की करेगा उस बात पे अगर आपको भरोसा है कि हाँ सारे सारे लोग MSMEs काम कर रहे हैं, छोटी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, जहां पे हमारे फंड मैनेजर ने पैसा लगाया हुआ है वो काम कर रहा है, और तो डेफिनेट है
आपको प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है यार, किसी को थोड़ा ज्यादा मिलेगा किसी को थोड़ा कम मिलेगा, तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसीलिए मैंने आपको 12 से 13, 15 से 17, 19 से 21 बता दिया है, 25 25 30 30 भी लोग ले लेते हैं, ले जाने दो उनको, क्या फर्क पड़ रहा है यार। 6-7% पर लोगों नहीं करते, एफडी नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आपको जानकर ज्यादा क्या है यार, मानसिक शांति होनी चाहिए ना। मेन बात क्या है कि आपकी मानसिक शांति आपको होना चाहिए, आपकी बीपी सही होनी चाहिए, आपकी हर चीज सही होनी चाहिए, वो मेरा मेन मोटिव है यार। आपको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, वो समझाना मेरा फर्ज है, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। जिनको एक्सपीरियंस है भैया वो ठीक है, थैंक यू, बट जिनको नहीं है वो नॉलेज लो, आपको सही एंड फेयर जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी है तो पक्का यार रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।